तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको न्यू मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑल फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा ताकि आपको न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से पुराने और नए हकायक के बारे में पता चल सके। Assalamualaikum viewers, Property Info Series के एक और informative episode के साथ मैं हूं आपकी host माइदा हाशमी। Viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त critical situation से गुजर रहा है, एक downfall की तरफ जा रहा है। अब चाहे वो महंगाई हो या फिर आपकी जो है वो basic necessities का महंगा होना हो, petrol का महंगा होना हो, dollar का expensive हो जाना हो, या फिर जितनी भी आपकी requirements हैं, business opportunities का कम होना, ये सब उस क्राइसिस के अंदर इन्वॉल्व है। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी मार्केट जो कि पाकिस्तान को हमेशा से सरमाया भी फराहम करती है, टैक्सेस भी मैक्सिमम पे करती है, ऑब्वियसली उसमें भी डाउनफॉल आ रहा है। बट व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट में डाउनफॉल आया हो। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि अब भी बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हैं, जिनमें से एक की बात आज हम आपसे करेंगे। जी हाँ, आप सही गेस कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी की। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाइप्ड अप सोसाइटी है, बट हाइप्ड अप होने का ये मतलब नहीं है कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको न्यू मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑल फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी में हमारे पास कितने एरिया के प्लॉट्स मौजूद हैं। तो इसमें हमारे पास मौजूद है 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स, जिनकी डेवलपमेंट तेजी से जारी है। और इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बताती चलूं कि अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको न्यू मेट्रो सिटी का विजिट करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि डेवलपमेंट कितनी तेजी से जारी है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाई टप होने की वजह से न्यू मेट्रो सिटी को सबसे ज्यादा जेन्युइन क्लाइंट्स को ग्रैब करने का मौका मिला है, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स से ज्यादा जेन्युइन क्लाइंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप ये बात जानते हैं कि जब किसी सोसाइटी या किसी प्रोजेक्ट में डायरेक्ट क्लाइंट्स यानी कि जेन्युइन क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए, तो उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट एक तो तेजी से शुरू हो जाती है और उस प्रोजेक्ट को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जेन्युइन क्लाइंट्स होने की वजह से कोई भी सोसाइटी जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी रेट्स ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जिन जिन लोगों ने प्री लॉन्च रेट्स के अंदर इस न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया। अब बात करते हैं इस सोसाइटी के ओनर के बारे में, जिनकी वजह से इस सोसाइटी को सबसे ज्यादा हाइप मिली है और इसमें डीलर्स इन्वॉल्व हुए हैं और इसके अलावा इसमें जेन्युइन क्लाइंट्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस सोसाइटी के ओनर जो है वो है मलिक बिलाल साहब, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मलिक रियाज साहब के नवासे हैं। और आप सब ये जानते हैं कि जब भी किसी भी फील्ड में हम स्विच करते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड में अगर कोई सेम फील्ड से रिलेटेड कोई होता है तो हम उस जो है वो फील्ड को ज़्यादा अच्छे तरीके से सरंजाम दे सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट को तेज़ी से कर सकते हैं। तो मलिक बिलाल साहब के ऑलरेडी नाना जो है वो सेम फील्ड में है, और ना सिर्फ सेम फील्ड में है बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपना सिक्का मनवा चुके हैं। अब बात करते हैं इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनने वाले ऑफर, अर्ली बर्ड ऑफर के बारे में। अर्ली बर्ड के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप 20 अगस्त से पहले अपने प्लॉट की बुकिंग करवा देते हैं न्यू मेट्रो सिटी में, तो आपकी प्लॉट की बैलेटिंग 20 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्लॉट जो है वो सेक्टर 1 कह सकते हैं, सेक्टर 1 कह सकते हैं या ब्लॉक 1 कह सकते हैं, जो कि GT रोड के बिल्कुल करीब है, उसमें आपके प्लॉट की बुकिंग कर दी जाएगी। सो व्यूअर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपना प्लॉट हेक्सा डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से बुक करवाएं और बनिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।